हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रियंका चोपड़ा दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा खुश। जी हां, लंबे वक्त बाद प्रियंका चोपड़ा यूएसए लौट आई हैं भारत, क्योंकि मुंबई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर अब प्रियंका हिस्सा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब से कुछ ही देर पहले उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया है स्पॉट। यकीन नहीं हो रहा तो आप गाइस ये ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में प्रियंका का ऑल ब्लैक लुक आ रहा है नज़र, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग दिखाई दे रही हैं। प्रियंका का ये ब्लैक लुक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, फैंस उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं। बता दें आपको कि जब परिणीति की मैरिज हुई थी तब प्रियंका नहीं पहुंच पाई थी वहां पर, तो फैंस काफ़ी निराश हुए थे। हालांकि प्रियंका जब परिणीति की इंगेजमेंट में पहुंची थी तो फैंस प्रियंका को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे। और अब लंबे वक्त के बाद प्रियंका चोपड़ा मुंबई फिल्म फेस्टिवल के लिए इंडिया आई हैं, तो उन्हें मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही हैं। उन्होंने ब्लैक क्रॉप टॉप पैंट्स और ब्लैक लॉन्ग कोट पहना है, गले में पतला सा नेकलेस पहना है, बालों को खुला रखा है। उनका ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है और उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है ब्लैक कलर की हाई हील्स के साथ, जो कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। बता दूं आपको, प्रियंका चोपड़ा मुंबई एयरपोर्ट पर अकेले ही स्पॉट हुई है। वो अपने पति निक और अपनी बेटी मालती को यूएसए नहीं लेकर आई हैं, यानी कि वो मुंबई फिल्म फेस्टिवल में अकेले ही पार्टिसिपेट करने वाली हैं। बहरहाल गाइस, आप कितना एक्साइटेड हैं प्रियंका को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता देखने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल गॉसिप टाउन पर नए हैं तो बिना देरी कि आप लोग मेरे चैनल गॉसिप टाउन को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इस वीडियो में इतना ही।